हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13, दैट इज काइनेटिक थियरी, और इसको केटीजी भी बोला जाता है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। ये पूरा चैप्टर जो है वो गैस के रिस्पेक्ट में अपन पढ़ेंगे। नाउ इसका जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो स्टार्टिंग पोर्शन ऑलरेडी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, उसी का क्विक रिविजन है। और आज का लेक्चर जब खत्म होगा उसके बाद कल जो नया लेक्चर आएगा उसमें ये चैप्टर के एक्सरसाइज एंड इल्यूस्ट्रेशन के जो एग्जांपल्स करने हैं हमें उसमें मे बी 70% सम कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से देखना है। सबसे पहले बात करते हैं बॉइल्स का। बॉइल करना यानी गर्म करना। तो बॉइल करने वाली जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी ये लॉ जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। इनिशियली जो तीनों लॉ अपन पढ़ेंगे वो तीनों लॉ पी वी एंड टी, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीनों के बीच का रिलेशन है। सबसे पहले बात करें बॉयल्स लॉ, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। पी वेरीज 1/V, प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं। नाउ ये वेरीज सिंबल अगर मुझे रिमूव करना है तो उस केस में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मुझे लाना पड़ेगा, तो पी इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वी। वी यहां ऊपर ले जाऊंगा तो मैं लिखूंगा पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर थियोरेटिकल जो पार्ट है, थियोरिटिकल जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर P वर्सेस V का अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ यहां पर दे रखा है। P वर्सेस V का ग्राफ थियोरिटिकली अगर देखें तो ये डॉटेड लाइन से जो शो किया गया है वो डॉटेड लाइन से जो ग्राफ मिला वैसा ग्राफ मिलना चाहिए। ये थियोरिटिकल वैल्यू से बना हुआ है, थियोरी के हिसाब से हमने बनाया हुआ है डिफरेंट टेम्परेचर T1, T2 एंड T3 के लिए। बट रियली एक्सपेरिमेंटली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके जो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो सिर्फ T1 का जो ग्राफ है वो T1 का ग्राफ सेम मिलता है, T2 एंड T3 का जो ग्राफ है उसमें वेरिएशन मिलता है। यहां पर लिखा है T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, यानी हाई टेम्परेचर पे ये जो पी वर्सेस 1/V जो है वो फॉलो होता है। एट हाई टेम्परेचर बॉयल्स लॉ इज ऑब्लिक, ठीक है, तो ये पी वर्सेस वी का ग्राफ है। सेकंड लॉ की बात करें, दैट इज चार्ल्स लॉ। नाउ चार्ल्स लॉ जो है वो एक्चुअल में क्या है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पी वॉल्यूम वी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। At constant pressure P, volume of a gas is directly proportional to its temperature T, and therefore V is proportional to T. Again proportionality symbol remove करेंगे तो constant put करेंगे, तो V is equal to constant into T. T को मैं नीचे ले जाऊँ तो V by T is equal to constant. ये भी important है। जैसे P V is equal to constant वैसे V by T is equal to constant. इसके अकॉर्डिंगली V वर्सेस T का अगर ग्राफ ले अपन तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। थियरी हमें सजेस्ट कर रही है कि V वर्सेस T का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो यहां पर देखें डिफरेंट प्रेशर के लिए ये P1 P2 एंड P3 डिफरेंट प्रेशर के लिए ग्राफ बना के दिए हैं। जो डॉटेड लाइन शो कर रही है वो डॉटेड लाइन थियोरेटिकल वैल्यू से बना हुआ ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन है, बट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली जो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो ग्राफ जो मिलता है वो P1 के लिए कुछ ऐसा है, P2 के लिए ऐसा है, P3 के लिए जो ग्राफ है वो समवॉट स्ट्रेट मिलता है। यहां पर लिखा है P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, दैट मींस P3 की वैल्यू जो है वो बहुत कम है।
तो यहां से अपन लिख पाएंगे कि एट लो प्रेशर, जैसे यहां लिखा है हाई टेम्परेचर बॉयल्स लॉ इज ऑपेड, सिमिलरली एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर चार्ल्स लॉ इज ऑपेड। एंड थर्ड जो है वो है गैल्यूसेक्स लॉ। तो गैल्यूसेक्स लॉ क्या बोल रहा है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, therefore P proportional to T, T को नीचे ले लो तो therefore P by T is equal to constant। तो ये तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है। अब ये तीनों अगर याद रखने हैं तो उनके लिए एक सिंपल सा ट्राइंगल हम याद रखेंगे। सिंपल सा ट्राइंगल यहां पर रख लो P, V एंड T। यहां पर मैं लिखूंगा बॉयल, यहां पर चार्ल्स, एंड यहां पर गैल्यूसेक्स। पी वी एंड टी बॉयल्स लॉ जो है वो पी एंड वी के बीच का रिलेशन है। बॉयल के सामने क्या है, टेम्परेचर टी, तो बॉयल के सामने जो है वो कांस्टेंट, तो टी कांस्टेंट है। सिमिलरली चार्ल्स, चार्ल्स लॉ वी एंड टी के बीच का रिलेशन है। चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट क्या है, तो सामने पी है, पी कांस्टेंट है। एंड गैल्यूसेक्स लॉ, गैल्यूसेक्स पी एंड टी के बीच का रिलेशन है एंड उसमें वी जो है वो कांस्टेंट है। तो ये ट्रायंगल हम याद रखेंगे, ठीक है, पी वी एंड टी, इन तीनों के बीच का रिलेशन, तीनों लॉस। नाउ इनका यूज करके अपन आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ये एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस मोल कंसेप्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है उसके रिस्पेक्टिव एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में भी बहुत सारे चैप्टर्स में सम जो है उसकी कैलकुलेशन में अपन इसका यूज लेंगे। नाउ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस जब कभी भी बोला जाए तब याद रखेंगे म्यू इज इक्वल टू एन बाय एन ए इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एम जीरो। म्यू इज इक्वल टू एन बाय एन ए इज इक्वल टू एम बाय एम जीरो। तो यहां पर जो नोटेशन दिया गया है वो नोटेशन क्या सजेस्ट कर रहा है वो देख लेते हैं। म्यू, म्यू क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, म्यू जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, एन ए दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो नंबर, और उसकी वैल्यू 6.022 क्रॉस 10^3 मोल इनवर्स। एंड एम दैट इज मास, एम जीरो, एम जीरो इज नोन एज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। म्यू इज इक्वल टू एन बाय एन ए इज इक्वल टू एम बाय एम जीरो। नाउ अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains one mole of any substance contains any molecules, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, number of molecules in one mole substance, number of molecules or atoms in one mole substance is equal to Avogadro number। ये Na क्या है, तो
एवोगाड्रो नंबर है, तो वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स एन ए मॉलिक्यूल्स, ये याद रखेंगे। इसके साथ साथ ये तो यहां से लिया मैंने म्यू इज इक्वल टू एन बाई एन ए, सबसे पहला जो पार्ट है म्यू इज इक्वल टू वन, इन दैट केस एन इज इक्वल टू एन ए। अब दूसरा पार्ट, अगर म्यू एम इज इक्वल टू वन लेता हूं मैं, सॉरी म्यू इज इक्वल टू वन लेता हूं तो एम इज इक्वल टू एम जीरो हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एम जीरो। तो उस केस में अपन लिखेंगे क्या, सेकंड जो पार्ट है वो लिखेंगे मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। ये कहां से आया, म्यू इज इक्वल टू अगर वन है तो इस केस में m इज इक्वल टू एम जीरो हो जाएगा, मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है। इसके अकॉर्डिंग एक और चीज अपन याद रखेंगे, एट एसटीपी, नाउ व्हाट इज एसटीपी, एसटीपी दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, that is 273 Kelvin temperature is known as standard temperature, and pressure, 1 atmospheric pressure, atmosphere is not the SI unit of pressure, but 1 atmospheric pressure is known as standard pressure. So at STP, one mole of gas occupies 22.4 liter volume. ये चीज याद रखेंगे, at STP एक मोल अगर गैस है तो उसका वॉल्यूम जो है, कोई भी गैस हो उसका अगर एक मोल है तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो इतनी चीजें अपन याद रखेंगे, यह है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। नाउ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस एंड आगे के जो तीन लॉ हमने पढ़े हैं, इन तीनों को कंबाइन करके जो थियरी हम पढ़ेंगे वो है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन इंपॉर्टेंट थियरी है, आइडियल गैस इक्वेशन एंड इट्स different forms, ideal gas equation and its different forms बहुत ज्यादा important है। ये theory जो है इसके accordingly बहुत सारे sum easily हो जाएंगे। ideal gas equation and its different forms, now जो फर्स्ट तीन लॉ थे, बॉयल्स लॉ जो था वो है P varies 1 by V, that is PV is equal to constant. सेकंड लॉ जो था उसमें V by T is constant, and थर्ड में P by T is constant. तो ये तीनों को कंबाइन करो, फ्रॉम बॉयल चार्ज and Gay-Lussac's law, Boyle's charge and Gay-Lussac's law, one can say that PV by T is equal to constant. क्योंकि फर्स्ट में क्या था, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेकंड में V by T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, थर्ड में P by T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तीनों को मैंने कंबाइन कर लिया तो PV by T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां कॉन्स्टेंट रिमूव करना है तो उसकी जगह पर
एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे और वो नया कांस्टेंट जो है पीवी बाई टी इज इक्वल टू म्यू आर, एंड देयरफॉर पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन है। पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। यहां लिखेंगे अपन आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ म्यू क्या है और आर क्या है? म्यू इज द नंबर ऑफ मोल, म्यू इज द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, एंड आर, आर इज नोन एज आइडियल गैस कॉन्स्टेंट, आइडियल गैस कॉन्स्टेंट, आर इज नोन एज आइडियल गैस कॉन्स्टेंट। इसकी जो वैल्यू है 8.314, इसका यूनिट याद रखेंगे जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वहां पर नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट करते थे, यहां पर म्यू से डिनोट करेंगे। पीवी इज इक्वल टू म्यू आरटी, म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स एंड आर इज आइडियल गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। नाउ इसके डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स में सबसे पहले यहां पर म्यू जो है म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू इज इक्वल टू एम बाय एन ए एंड एम बाय एम जीरो, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे हमें। सबसे पहले बात करें म्यू इज इक्वल टू एन बाय एन ए, म्यू इज इक्वल टू एन बाय एन ए पुट करता हूं तो क्या होगा? पीवी इज इक्वल टू म्यू की जगह पर मैं पुट करूंगा एन बाय एन ए इंटू आर टी। नाउ आर इज अ कॉन्स्टेंट एंड एन ए इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इन दोनों को कंबाइन करूं तो आर बाय एन ए की जो वैल्यू है वो भी अपने आप में एक कॉन्स्टेंट है। आर बाय एन ए इज ऑल्सो नोन एज अ कॉन्स्टेंट, और वो जो कॉन्स्टेंट है उसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। देयरफॉर पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन एज इट इज, आर बाय एन ए की जगह पर मैं पुट करूंगा के बी, पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी, ये एक नया फॉर्म हो गया। पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन के बी टी, वेर के बी इज व्हाट? के बी इज नोन एज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कॉन्स्टेंट, एंड उसकी वैल्यू जो है 1.38 क्रॉस 10^-23, 1.38 क्रॉस 10^-23 जूल पर केल्विन, और जूल केल्विन इनवर्स कहां से आया? आर की जो यूनिट है वो है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, एंड एन ए जो है उसका यूनिट होता है मोल, एन ए का यूनिट जो है वो मोल इनवर्स, सॉरी ये रहा, एन ए का यूनिट है मोल इनवर्स, तो मोल इनवर्स कट जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली यूनिट बचेगा जूल पर केल्विन। अब डायरेक्टली निकाल सकते हो 8.314 को 6.022 से डिवाइड कर लो तो वैल्यू यहां इतनी मिल जाएगी 1.38 क्रॉस 10^-23। ये एक फॉर्म हो गया पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन केबीटी। सेकंड थिंग, ये वी जो है वी को उठा के मैं यहां पर ले लू, देयरफॉर पी इज नोन एज P is equal to capital N KVT divided by V. Here N by V, number of molecules divided by volume. Now mass per unit volume is known as mass density, and number of atoms per unit volume is known as number density. Number density को अपन small n से denote करेंगे, तो ये हो जाएगा स्मॉल एन के बी टी। डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं यहां पर स्मॉल एन के बी टी, पी इज इक्वल टू स्मॉल एन के बी टी,
पी इज इक्वल टू स्मॉल एन के बी टी वेर स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय वी इट इज नोन एज नंबर डेंसिटी। कोई पूछे इसका यूनिट क्या होता है, नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता है, वी का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो ये है पर मीटर क्यूब। नंबर डेंसिटी जो है उसका यूनिट आएगा पर मीटर क्यूब। तो n इज इक्वल टू एन ए एन बाय एन ए पुट किया, म्यू इज इक्वल टू एन बाय एन ए, उसके रिस्पेक्ट में हमें दो डिफरेंट फॉर्म मिले, पी वी इज इक्वल टू कैपिटल एन के बी टी एंड पी इज इक्वल टू स्मॉल एन के बी टी। थर्ड वन, म्यू इज इक्वल टू एम बाय एम जीरो पुट करो, म्यू इज इक्वल टू एम बाय एम जीरो पुट करो, तो उस केस में होगा क्या, पी वी इज इक्वल टू एम बाय एम जीरो इंटू आर टी। नाउ वी को उठाकर मैं नीचे ले रहा हूं, तो पी इज इक्वल टू एम आर टी डिवाइडेड बाय वी एम जीरो, ये वी को मैंने उठा के यहां लिया। नाउ एम बाय वी मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, मास डेंसिटी, तो पी इज इक्वल टू रो आर टी डिवाइडेड बाय एम जीरो, ये एक नया फॉर्म है, पी इज इक्वल टू रो आर टी डिवाइडेड बाय एम जीरो, पी इज इक्वल टू रो आर टी डिवाइडेड बाय एम जीरो। नाउ पी वी बाय टी का पी के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फॉर अ गिवन मोल ऑफ अ गैस पी वी बाय टी, PV by T का P के रिस्पेक्ट में ग्राफ ले लो। Now PV by T का लो या PV by mu, mu T का लो, तो सेम PV by mu T का लेना है तो भी ले सकते हो आप, PV by T यहां से ले लेंगे, PV by T अपने आप में कांस्टेंट है। तो एक चीज याद रखेंगे, PV is equal to mu RT equation जो गैसेस फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है आइडियल गैसेस। जो गैसेस PV is equal to μRT इक्वेशन को ऑबे करते हैं उनको बोला जाता है आइडियल गैसेस। नाउ PV by T इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आइडियल गैस की बात करें तो PV by T का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट आएगा। तो PV by T के लिए जो ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे वो P की लाइन जो है उसके पैरेलल आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये किसका ग्राफ है, आइडियल गैस का। बट रियल गैसेस की बात करें तो रियल गैसेस में अगर ये ग्राफ लेते हैं अपन, तो रियल गैसेस के लिए ये ग्राफ जो मिलेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके है। T1, T2 एंड T3 टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर्स की बात करें तो उसके लिए ये ग्राफ ऐसे मिलता है। ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किए नीचे वाले वो है रियल गैसेस के लिए, जबकि ये जो रेड लाइन से ड्रॉ किया जो पी की एक्सिस के पैरेलल है वो आइडियल गैस के लिए है, ये जो है आइडियल गैस के लिए है, आइडियल गैस। तो ये चीज याद रखेंगे। अब यहां से देखो T1 यहां पर अगेन T1 is greater than T2 is greater than T3. T1 higher temperature है, T3 जो है वो temperature कम है, तो low temperature. At higher temperature, T1 का जो graph है वो ideal gas के graph के near है। तो मैंने पहले Boyle's law में आपको बताया था, at higher temperature, Boyle's law is obeyed. Similarly, at high temperature, real gases acts or behaves लाइक एन आइडियल गैस। और सिमिलर चीज सेकंड लॉ जो था चार्ल्स लॉ, उसमें हमने बताया था एट लो प्रेशर चार्ल्स लॉ इज ऑबेड, तो यहां पर भी एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर रियल गैसेस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस अपन लिखेंगे जो याद रखना है, एट high temperature and low
प्रेशर, रियल गैसेस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, और रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो यहां तक जो थियरी हमने पढ़ी उसका यूज करके ये चैप्टर के 70% सम जो है वो कल के लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। थैंक यू।